रोकना चाह रहा हूं। बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद का, अखिलेश यादव को भी उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया। हवाले से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार कैसे कैसे नाम उन्हें मिले हुए हैं ये बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लगातार टीवी देखते रहते हैं। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है कांग्रेस। चंद्रबाबू नायडू बहुत पुराने दोस्त, लेकिन अब एनडीए के दोस्त, एनडीए के भी नए नए दोस्त बने हुए हैं। इन सबके बीच बड़ा अपडेट ये कि अखिलेश, शिवम प्रताप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवम, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस, यहाँ तो हलचल तेज हो गई है। देखिए, सूत्रों के साफ तौर पर यह दावा है कि जैसा कि आजकल राहुल गांधी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया कि वो विपक्ष में बैठने वाले हैं या फिर तमाम जो अन्य दल हैं उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन क्योंकि ये राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने पिछले दरवाजे से तमाम दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में शरद पवार ने अब भी चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश कुमार से बात की थी, उनके सामने ऑफर रखा गया था। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज रात कल शाम तक कांग्रेस पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन तमाम नेताओं से बातचीत करेगा और फिर जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें औपचारिक तौर पर तमाम जो दल हैं वो सहमत जताएंगे और जो अन्य नेता हैं गठबंधन के उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जिसके भी अन्य दलों से संबंध अच्छे हैं, जिनके भी अन्य दलों के नेताओं से मधुर संबंध है, वो उनसे बातचीत की जिम्मेदारी संभालें। आज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि वो ना तो अभी विपक्ष में बैठने तैयारी कर रहे हैं और ना ही अभी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। इसका मतलब है कि बैकडोर पॉलिटिक्स चलती रहेगी और कल शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि कौन सा दल इंडिया गठबंधन में जा रहा है या एनडीए में शामिल हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रयासरत है, वो भी अपने तमाम सहयोगी दलों से, अन्य दलों से संपर्क में है। ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कल जब इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों की दिल्ली में बैठक है, वहां से क्या खबर निकल कर आती है। घंटी टनाटन बजती जा रही है शिवम, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर एक खबर आई कि जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मिलने पहुंचे तो मिले नहीं नीतीश कुमार, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा गया कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा भी दे सकती है कांग्रेस, इस बात को लेकर नायडू को मना सकती है। देखिए बिल्कुल, शरद पवार ने जब सीएम नीतीश कुमार से बात की तो उनको उप प्रधानमंत्री पद के सूत्र दावा कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू से कहा कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि जो कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए वादा किया था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सभी से संपर्क कर रही है कांग्रेस पार्टी और जैसी जिसकी नीड है, जैसे जो अपने हिसाब से पद चाहता है या जो भी प्रोसेस है उसको लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक्टिव हैं, ऑफर दिए जा रहे हैं, बातचीत जारी है, लेकिन तस्वीर कल शाम तक साफ हो सकती है। बिल्कुल, और तस्वीर कल साफ होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन सब चीजों के बीच जो तेजी से जो परिस्थितियां बदल रही हैं चंद्रबाबू नायडू, शिवम, तकरीबन अगर दोनों को मिला लिया जाए, टीडीपी को देख लिया जाए और नीतीश की पार्टी देख ली जाए, तो ये तकरीबन 26 से 30 के आसपास ये टोटल आंकड़ा पहुंचता है। और मेरा ख्याल है अगर ये 30 का आंकड़ा इंडिया को मिल जाए तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। यही गेम इस वक्त चल रहा है और शरद पवार एक्टिव है मेरा ख्याल है पर्दे के पीछे से लगातार। शिवम, देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अभी फ्रंट पर नहीं आना चाहती है, भले ही कांग्रेस ने 100 के आसपास सीटें जीतने का भी रुझान हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया अलायंस के पर्दे के पीछे काम होता रहे। जो इंडिया अलायंस के सिरमौर नेता हैं जिनके तमाम राजनीतिक दलों से संबंध अच्छे हैं, जिनको पॉलिटिक्स के चालक कहा जाता है, उनसे वो बातचीत करें। और शरद पवार ने यह जिम्मा संभाला है, शरद पवार ने आज जो राजनीतिक दलों से बात की, सूत्र दावा कर रहे हैं कि और भी अन्य दलों से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बात करेंगे। 19-18 सीट चंद्रबाबू नायडू जीत रहे हैं, 15-16 सीट के आसपास, 14-15 सीट नीतीश कुमार जीत रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा मार्जिन तो रहा है, निश्चित तौर पर 35-40 सीटें अगर शामिल हो जाती हैं इंडिया गठबंधन में तो और भी जिस तरह नीतीश कुमार की छवि है कितना विश्वास किया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी इस समय की नीड है क्या, किस हिसाब से ऑफर मिलते हैं। नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं समय के हिसाब से, भले ही उसको राजनीति को सफल माना जाए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये रहा है और इंडिया गठबंधन की नींव भी
नीतीश कुमार ने रखी थी। यही एक वजह है कि उनको दोनों तरफ से ऑफर मिलते रहते हैं, लेकिन हाँ अब एक बात तय हो गई है कि नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। मैं चाह रहा हूँ आप ये जवाब कंटिन्यू करिएगा, लेकिन दरअसल एक बड़ा दिलचस्प फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों को वो जरूर जान लेना चाहिए। बड़ी ब्रेकिंग हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, राहुल गांधी बन सकते हैं वित्त मंत्री, अखिलेश यादव को भी उप प्रधानमंत्री का ऑफर, चंद्रबाबू नायडू होम मिनिस्ट्री से मार सकते हैं गृह मंत्रालय, और गठबंधन सहयोगियों को दिल्ली बुलाया गया है। अब यहां पर राहुल ने बहुत ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा, ये माना शिवम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, यहाँ बड़ा दिल दिखाया है कांग्रेस ने, इसलिए आप ही की बात जो आगे बढ़ाते हुए कि सारा जो शरद पवार के हिस्से गया है जिम्मा सहयोगियों को मान मनाने का और फॉर्मूले को सेट करने का। तौर पर राहुल गांधी ने न सिर्फ बड़ा झील दिखाया है बल्कि आज की उनकी प्रेस वार्ता से साफ था कि कांग्रेस पार्टी उसे अपनी जीत नहीं बता रही है, कांग्रेस पार्टी अकेले फैसला लेने के आगे नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज की पीसी में कई संयम रखा और लगभग सारा जो क्रेडिट है वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को दिया, इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को विश्वास में लेने की बात कही। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि न तो राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा या सरकार बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आज की उनकी बड़ी बात ये जरूर रही कि जिस समय चुनाव हुआ, जिस मुकाबले में चुनाव हुआ, उस समय ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था क्योंकि बीजेपी की मशीनरी ने बहुत दुरुपयोग किया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन अंततः सफलता जनता ने दिलाई। कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। सुशील आपको कुछ अपडेट दे रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में, ये सुशील जी। देखिए मैं आपको अपडेट यही दे रहा था कि राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए अपने तमाम टीम के साथ फिलहाल राहुल गांधी अपने तमाम कार्यकर्ताओं का जो एक अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश में राहुल गांधी को फिलहाल हाथ हिलाकर झंडा लहराकर ये अभिवादन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति देखने को मिली, जिस तरह की तमाम बदलाव देखने को मिले, उस बदलाव को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज देखने को मिला और उसकी वजह यह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरह राहुल गांधी से फिलहाल हाथ हिलाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपना अभिवादन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे और उनकी तरफ से सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर अटैक किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने आज तमाम जो पत्ते हैं वो उन्होंने नहीं खोला, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये इंडिया अलायंस की जीत है, गठबंधन की जीत है, तो बैठक के बाद तमाम निर्णय लिए जाएंगे कि कौन लोग शामिल होंगे, किन लोगों के फैसले को किस आधार पर इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो कल की बड़ी बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी इंडिया गठबंधन की सरकार के मामले। एक और महत्वपूर्ण बात जो नजर आई है और वो पहली बार कांग्रेस में नजर आई है कि नेता और कार्यकर्ता के बीच एक लंबी खाई थी, वो कम से कम पाटी गई है, वो कम से कम नजर आई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे मेरा ख्याल है ना जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उन्होंने ये बात कही कि हम इंतजार करते रहे, एक्सेसिबल नहीं थे, तो वो जो खाई थी कम से कम वो डिफरेंस कम हुआ। और ये लगातार आप ब्रेकिंग पर नजर रखें, शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू गृह मंत्रालय, हालांकि अभी वो एनडीए के सहयोगी हैं और पवन कल्याण इन सब के बीच पिक्चर में हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा, पिक्चर वाले ही हैं वो। और बड़ी बात लेते यहाँ पर देखिए, दो डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला बीजेपी राज्य में देती है, यहाँ पर दो डेप्यूटी पीएम के फॉर्मूले के साथ प्रियंका गांधी को सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है, सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पर है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि सभी राज्यों में अच्छा हुआ लेकिन यूपी में जो हुआ उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और ये हम फॉर्मूले पे बात करें, शिवम प्रताप सिंह लगातार जुड़े हैं। शिवम, कौन हैज बीन केप्ट, तो शिवम से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। एक और महत्वपूर्ण बात अपर्णा की, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी जिक्र यहां होना चाहिए था स्पीसी के दौरान। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम क्या अपडेट? अभी
लगातार क्योंकि जानकारी शिवम हासिल कर रहे हैं वहां से हमारे सहयोगी और जानकारी को आगे साझा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया है, अखिलेश यादव को भी अब उप प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया। ये सूत्र बता रहे हैं ये सरकार बनाने का फॉर्मूला और जिम्मेदारी शरद पवार के हिस्से में है। और नीतीश कुमार के संपर्क में है कांग्रेस। दरअसल उन्होंने ही ये पूरी नाव बनाई थी जिस पर पूरा इंडिया INDIA सवार हुआ था और फिर वो उतर गए थे। पतवार भी उनके पास थी, एन वक्त उन्हें ये लगा कि वो अपनी पतवार लेकर निकल लिए। सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, अच्छी बात ये भी कि एक गैप जो नेता और कार्यकर्ता के बीच हमेशा जो बात कही जाती थी वो खत्म होता नजर आया कांग्रेस में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, मैं अपर्णा से चर्चा भी कर रहा था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना जाता तो और बेहतर होता। सुशील, कांग्रेस को मिला है इसकी उम्मीद अगर सच कहूं तो शायद कांग्रेस को भी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता सुबह यहां देखते हुए पाए गए और तमाम चीजें देखने को मिली, उसके बाद जो फिर तस्वीर में बदलाव आया उस बदलाव में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश देखने को मिला। तमाम ऐसे प्रवक्ता थे जो आना शुरू हो गए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार अब इस पूरे सरकार बनाने की कवायद में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, उन पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करें। चूंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी बात यह रही कि नीतीश कुमार सर्वे सर्वा रहे, उन्होंने सबसे पहले मंच साझा किया, उन्होंने मंच पर तमाम बातें कही और जब नाम रखा जा रहा था तब उन्होंने उसका कहीं ना कहीं प्रयोजन लोगों के समक्ष रखा। तो कहीं ना कहीं नीतीश का आंतरिक प्रेम अगर माना जाए, अगर वो ना जागे या बीजेपी और कांग्रेस में सबसे पहले उन्हें कौन खुश करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से कल एक सियासी मुलाकात नीतीश कुमार की दिल्ली में हुई जिसमें अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी बीजेपी को लेकर नीतीश कुमार संशय में जरूर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात रही, जिस तरह से बातें राजनीति में रखी गई, खैर नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा नहीं सोचा जा सकता है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर शरद पवार की बात करें, ये तमाम ऐसे बड़े सीनियर आपके पीछे अधिकतर मुझे मीडिया पर्सन नजर आ रहे हैं कि अगर कुछ कार्यकर्ता हो वहां पर इकट्ठा, आप उनसे बात कर पाए, मुमकिन हो आपके लिए तो हम चाहेंगे कि आप बातचीत करें उनसे, कार्यकर्ताओं से भी। और ये बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे ललित कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का ये फॉर्मूला तय किया है, गठबंधन सहयोगियों को दिल्ली बुलाया गया, अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं जी। और इन सब सिनेरियो में, इन सारी ब्रेकिंग्स में एक नाम मिसिंग जो नजर आता है वो तेजस्वी यादव का है जी। वो नाम कहीं ना कहीं मिस है, उन पर भी हालांकि हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इस वक्त जो बड़े अपडेट आ रहे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने का एक फॉर्मूला है, 235 के करीब इंडिया नजर आता है, 272 का जादुई आंकड़ा है, एनडीए के पास 290 है, लेकिन उसी एनडीए में शामिल है नीतीश बाबू और वो है तकरीबन 14 सीटों पर उनकी पार्टी चल रही थी आगे, हालांकि आंकड़े वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा अपडेट ये कि अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए, कांग्रेस के पास फार्मूला है, गठबंधन के सहयोगियों को दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले भी याद करिए चुनाव परिणामों से पहले भी एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की और जो अलाय है इंडिया अलाय उसकी हुई थी, तब भी तमाम तरह की बातें उस बैठक से निकलकर सामने आई थी। अच्छी बात यह निकलकर आई थी कि एग्जिट पोल ने जिस तरह की प्रेडिक्शंस किए हैं कांग्रेस उसका मुकाबला तो करे, स्टूडियो में पहुंचकर कांग्रेस उसका मुकाबला तो करे। शिवराज सिंह